Hello students, today we now start from the first lecture of first chapter of 11th biology, that is the living world. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग क्या होता है, उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं. तो अगर लिविंग को हमें वन टर्म में डिफाइन करना है तो उसको हम कहेंगे लाइफ. ठीक है, लाइफ क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी क्या हो रही हो, प्रॉपर वो सर्वाइव कर रहा हो, ग्रोथ हो रही हो, उसकी डेवलपमेंट हो रही हो. ठीक है, तो वही क्या होता है, लिविंग होता है. ठीक है, उसके बाद जनरल फीचर्स आते हैं आपके लिविंग के, कि लिविंग में क्या क्या फीचर्स इंक्लूड होते हैं. तो फर्स्ट आता है सेलुलर स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज सेलुलर स्ट्रक्चर. अब सेल क्या होती है, सेलुलर, सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल्स. ठीक है, अब जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेलुलर कंपोनेंट होता है, सेलुलर मॉलिक्यूल होते हैं, सेल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसमें, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे रहते हैं. ठीक है, जो आपका सेलुलर स्ट्रक्चर है वो किसको डिफाइन करता है, कि वो सेल प्रेजेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, तो जो आपकी जो सेल बनी होती है वो बेसिकली किससे बनी होती है, प्रोटोप्लाज्म से. ठीक है, किससे बनी होती है, प्रोटोप्लाज्म, या फिर उसको कह देते हैं लिविंग मैटर. ठीक है, एक को तो, एक तो हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म और सेकंड बोलेंगे हम लिविंग मैटर. ठीक है, उसके बाद की जो आपका ये प्रोटोप्लाज्म होता है या फिर लिविंग मैटर बोला, ये वायरसेस में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है. ठीक है, वायरस में ये अब्सेंट होता है. ठीक है, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो भी आपके लिविंग्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो सेवरल उनके कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें. ठीक है, जो एक दूसरे को क्या करता है, कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, और अपना ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म वो अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा, कि वो एक दूसरे से कनेक्ट है सेल से. जैसे सेल क्या होगी, एक दूसरे से कनेक्ट होगी तभी तो क्या पोस्चर बनाएगी, फीचर्स बनाएगी. ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनर्जी. ठीक है, अब एनर्जी आपका जो लिविंग बींग्स है उसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. जो भी एक्टिविटीज होती रहती है लिविंग बींग्स में, वो किसकी वजह से होता है, उसमें एनर्जी की नीड तो होती ही है. ठीक है, एनर्जी चाहिए ही चाहिए. और जो एनर्जी का फॉर्म होता है, मतलब एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, एक फॉर्म होता है किससे, फूड से. ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म वो ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटरोट्रॉफिक है. ठीक है, उसके बाद आता है होमोस्टेसिस. होमोस्टेसिस क्या होता है, कि कोई भी जैसे फेवरेबल, जैसे आपका एनवायरनमेंट है. ठीक है, एनवायरनमेंट विंटर समर बेसिकली. ठीक है, तो क्या है, बॉडी को अडेप्ट करना, कि उस जैसे ये आपके फेवरेबल एनवायरनमेंट. होमोस्टेसिस में क्या होता है, कि जो बॉडी है, बॉडी के ऑर्गेन क्या करते हैं, उसको अपने आप अडेप्ट कर लेते हैं, उस जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, होमोस्टेसिस जिसको बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म. ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बेसिकली हम डिफाइन करते हैं टू टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. ठीक है, टू टाइप्स का मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म क्या होता है, कि किसी चीज का बनना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का बनना किससे, सिंपलर फॉर्म से. सिंपलर फॉर्म से आपका क्या बनना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनना. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है किसमें होती है, ग्रीन प्लांट में, क्योंकि वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ठीक है, अब आपकी क्या हुई है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस हुई है, उसमें क्या, जो आपका जैसे ये आपका सिंपलर फॉर्म है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, ये आपकी सिंपल कंपाउंड है. अब इससे क्या बना आपका कॉम्प्लेक्स, क्या बना कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज बना है. ये क्या है, कंस्ट्रक्शंस है, मतलब कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है एनाबोलिज्म में. एनाबोलिज्म कैसा प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन होने वाला. ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है कैटाबोलिज्म. सेकंड इज कैटा
कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म क्या होता है? किसी चीज का ब्रेक डाउन होना, टूट जाना, डिस्ट्रक्शन होना. ठीक है, तो उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं रेस्पिरेशन का. ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे, कि जो आपका हम जैसे फूड लिया, हमने ग्लूकोज लिया है, जैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन तो जाएगी फूड के साथ, गई. उसके बाद एंजाइम्स प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वो क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, उसको आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डिस्ट्रक्शन होगा इसमें. ठीक है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में. ठीक है, उसके बाद आता है ग्रोथ. ठीक है, अब हमारी लिविंग बॉडी है तो उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है. ठीक है, तो आपकी ग्रोथ भी टू टाइप से होती है, बेसिकली प्रोटोप्लाज्मिक होती है और एक एक्टोप्लाज्मिक सब्सटेंस. प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है आपकी, जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है. जैसे कोई सेल है, एक सेल है, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसका जो सराउंडिंग पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो उसकी ग्रोथ होना दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक. ठीक है, सब्सटेंसेस की, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस में किसका किसकी ग्रोथ होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की. ठीक है, उसके बाद आता है एपोप्लाज्मिक में क्या होता है, जो भी आपके टिश्यूज वगैरह होते हैं सेल में, सेल्स क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, तो टिश्यूज का आपका क्या होना, ग्रोथ होना. ठीक है, वो होता है आपका एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस. ठीक है, उसके बाद आता है कंसिक्वेंसेस. ये क्या होता है कि आपका सेंस ऑर्गन, बेसिकली जो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हमारे, मतलब जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें काफी ज्यादा रहते हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग का केस है, हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन है, आंख नाक ये सब. ठीक है, आईज ये सब. तो कि कंसिक्वेंसेस में क्या होता है कि सेंस ऑर्गन पर डिपेंड होता है, जैसे कि हायर प्लांट में काफी ये है. ठीक है, तो कैसे कि अब हम है ह्यूमन बीइंग है, हमें स्मेल भी होती है थ्रू द नोज. ठीक है, आई हम देख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन बीइंग के केस में काफी एडवांस है. ठीक है, एडवांस है किसमें, ह्यूमन बीइंग के केस में. ठीक है, वैसे ये डिपेंड करते हैं सेंस ऑर्गन पे ही कंसिक्वेंस जो आपका है. ठीक है, नेक्स्ट इज हीलिंग एंड रिपेयर. हीलिंग एंड रिपेयर क्या होता है, हील करना मतलब ठीक करना, रिपेयर करना अपनी बॉडी को. कि जो अपने लिविंग्स होते हैं, लिविंग क्या होता है, लाइफ होती है, तो क्या करेंगे, अपने आप को क्या करना है, हील करने की कोशिश करते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जो हमारी लिविंग बॉडीज होती है वो क्या करती है, हीलिंग और रिपेयर का भी फीचर उसमें. देन उसके बाद डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. ठीक है, जो पर्टिकुलर डेली लाइफ में क्या होता है कि डे टू डे क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ होता है, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो डिस्पोज आउट हो जाता है हमारी बॉडी से. ठीक है, उसके बाद मूवमेंट का भी फंक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं लोकोमोशन. लोकोमोशन क्या होता है कि अब हमारी हाथ पैर है, हैंड और लेग्स है, तो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर. जैसे हैंड तो क्या करते हैं, इधर से उधर करेंगे, हैंड हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वन प्लेस से दूसरे, तो उसको हम लोकोमोशन करते हैं. और हैंड जैसे हम मूव करें, अब मैं अपने हाथों को हिला रही, ये क्या है, मूवमेंट है. ठीक है, लोकोमोशन वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, लोकोमोट करना. ठीक है, तो वो भी क्या है, लिविंग में काउंट होता है, फीचर्स है उसका. ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएशन. क्या है कि काफी चेंजेस, वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस. ठीक है, काफी चेंजेस आते रहते हैं, जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है बॉडी की, तो क्या चेंजेस भी आते रहते हैं, वेरिएशन अकर होती रहती है. ठीक है, नेक्स्ट इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या होता है कि अपने आप अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेना, जैसे एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर लेना. अब जहाँ के टेम्परेचर बहुत हाई होता है वो वहाँ पर जैसे सर्वाइव कर रहे हैं लोग पीपल, बट अगर वो इधर की साइड आ गए, ठीक है, तो तब भी उनको क्या होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो अपनी बॉडी खुद ही अडॉप्ट कर लेती है अपने आप को उस एनवायरमेंट में. ठीक है, तो ये था आपका अडेप्टेशन. उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी कॉपी बना रहा है या फिर इंडिविजुअल बना रहा है, नया इंडिविजुअल बना रहा है,
जनरेशन बढ़ा रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बेसिकली ये टू टाइप से होता है आपका रिप्रोडक्शन, एक तो होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है कि आपका यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल जैसे कि उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यंग वर्म्स, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये आपका रिप्रोडक्शन है। उसके बाद आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्या होता है कि जो द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, जो आपका पीरियड होता है किससे बर्थ से लेके नेचुरल डेथ को, तो उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। उसमें काफी स्टेजेस आती है, जैसे आपका बर्थ आएगी, सेनेसेंस आएगी, अडल्ट स्टेज आएगी, देन उसके बाद क्या होगा बर्थ डेथ वाली स्टेज आएगी, ठीक है। तो काफी स्टेज में आपका लाइफ कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डेथ। डेथ क्या होता है, नेचुरली बेसिकली क्या हो जाए ना, जो भी आपके फंक्शंस होते हैं बॉडी के उनका वर्क नहीं करना उनका, तो उस टाइम क्या होगा कि डेथ हो चुकी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ये जो आपकी डेथ है ये नेचुरल भी हो सकती है या फिर किसी पर्सन को डिजीज हो गई हो, ठीक है, एक्सीडेंट्स हो गया नेचुरल। तो ये था, तो ये आपका लिविंग है और इसके बेसिक फीचर्स है,